नमस्कार दोस्तों, और एक बार स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज जो इस थंबनेल पर देखे होंगे जी दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि सेवन दिग्निक सेंसर्स के मोबाइल ऐप्स वो कैसे आप इस्तेमाल करोगे। तो आप स्वयं लाइव आपको दिखाऊंगी मोबाइल ऐप्स को ओपन करके वो कैसे ये ऐप्स चलाते हैं और कैसे आप सर्वे के लिए घर घर जाओगे और कैसे सर्वे करोगे। तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं। हम शुरू करने के लिए हर बार की तरह करूँगा एक ही गुजारिश कि अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ बेल आइकन बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे दिया हुआ हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचता रहे। दोस्तों सर्वे ऐप्स की जो ऐप्स है वो ये है, सेंसर्स नाम का ऐप्स है। ये आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, ये सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेगा। तो दोस्तों इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से लेकर इसको इस्तेमाल कर सकते हो। यह 5.0 वर्जन का है। तो चलिए दोस्तों हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये ऐप्स जो है मैं पहले से ट्राई कर रहा था कैसे ये ऐप्स पर काम करे। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप ध्यान से देखिए, कोई भी सेशन को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करोगे तो आप कोई भी सेशन को मिस कर सकते हो। तो दोस्तों ये हम पहले पेज पर आ जाते हैं। तो दोस्तों ये है इस ऐप्स का पहला पेज। तो देखिए ये ऐप्स में पहले लॉगिन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, एकदम पहले से जाकर। तो ये लॉग आउट हो गया। तो दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेसन आपको दिखाई देगा। तो ये है बेटा वर्शन 5.0 और पहले था मेरे पास 3.0। तो यह पर आपको मोबाइल नंबर या तो ईमेल आईडी देकर यह आपको साइन इन करना होगा और आपको ये साइन अप करने के लिए यहाँ पर आपको सीएससी आईडी और सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। जो अभी तक सर्टिफिकेट नंबर नहीं आए तो मेरे पास डेमोग्राफी है, तो मैं आप लोगों को डेमोग्राफी से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यूज़र आईडी और लॉग इन पासवर्ड देने के बाद कुछ इस तरह का लॉग इन होगा। तो दोस्तों इस तरह का आपको जो इंटरफेस दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा सेंसर्स कॉन्डक्ट बाई, इसका जिसके नाम पर ये ऐप्स है उसका नाम दिखाई देगा। तार उसके बाद दिखाई देगा वीएलई की नेम, जिस वीएलई के अंदर आप काम करोगे। उसके बाद सीएससी आईडी, डिवाइस नेम मतलब आप कौन सी मोबाइल फ़ोन पर ये इस्तेमाल कर रहे हो, ड्राइव ब्रांडेड नेम कौन से ब्रांडेड मोबाइल पर आप ये काम कर रही हो, डिवाइस वर्शन आप जिस मोबाइल पर यह काम कर रही हो इसका वर्शन क्या है, एक्चुअल वर्शन अपडेट वर्शन नहीं दिखाएगा, कौन से स्टेट पर आप काम कर रही हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप हो, कौन से ब्लॉक पर हो, आप या शहर पर या गांव पर सर्वे करोगे वो भी दिखाई देगा, ग्राम पंचायत पर है या म्यूनिसिपलिटी पर है, विलेज का नाम, करंट लोकेशन आपका जियो टक करके लैंडिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी दिखाई देगा। तो ये जो सेशन है ये प्री फिल रहेगा, आपको पहले से फिल अप करके हुआ रहेगा, मतलब आप जब एनमिनेटर के लिए रजिस्टर किए थे उसी समय आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको इकोनॉमिक सेंसस की सर्वे शुरू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और आते हैं हम यहाँ पर 3 डॉट दिया हुआ स्पेस पर। तो ये देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर है पहले आपका प्रोफाइल, उसके बाद है माई सर्वे, फोटोज़, कंप्लीट सर्वे, ऑफलाइन सर्वे रिकॉर्ड, ड्राफ्ट, सपोर्ट एट लॉग आउट। अगर आप अपना मोबाइल के जो ईमेल आईडी और पासवर्ड दिए थे पहले, अगर वो आप चेंज करना चाहती हो तो आप यहाँ पर प्रोफाइल पर आ जाइएगा। तो यहाँ से आप चेंज पासवर्ड के ऑप्शन पर आके आप ये भी पासवर्ड चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद माय सर्वे, आपका सर्वे सरफेस एरिया कितना आपका पेंडिंग है, कितना अप्रूवल हो चुकी है और कितना आपका रिजेक्ट कर दिया है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है आपका फ़ोटो, यहाँ पर आपका फ़ोटो भी चाहे तो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो। आपका कंप्लीट सर्वे कितना हो गया है, ऑफलाइन सर्वे रिकॉर्ड कितना है, मतलब आपका मोबाइल ऑफलाइन पर रखते समय कितना सर्वे किए थे वो भी दिखाई देगा। ड्राफ्ट पर आते हैं, हम देखते हैं ड्राफ्ट पर क्या है। तो दोस्तों अभी तक ड्राफ्ट पर कोई ऑप्शन नहीं आए लेकिन बाद में आ जाएगा।
जैसे आप यहाँ पर सपोर्ट पर क्लिक करोगे दो मोबाइल एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी दिखाई देगा। मोबाइल नंबर पर जो है ये एक सर्वे के लिए एक मोबाइल नंबर है, यहाँ पर आप फ़ोन करोगे तो आपका नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर आपका फ़ोन जाएगा। अगर आप सर्वे करते समय कोई भी दुविधाएँ आए तो आप यहाँ पर फ़ोन कर सकते हो। और उससे भी ज़्यादा टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो census@support.com पर मेल कर सकते हो आपका कोई भी सपोर्ट चाहिए तो। दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस पर आपको सपोर्ट मिलेगा और नीचे लॉग आउट दिया हुआ बटन पर अगर क्लिक करोगे तो आपका ये ऐप्स जो है वो लॉग आउट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो पर सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले और एक वीडियो पर, दिखाऊंगा कि इसके नेक्स्ट स्टेप क्या है।